MIM, RSS और BJP के अलाइकार है, वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से RSS को हर जगह बोलने का मौका मिले और हिंदुत्व बढ़े। और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मोदी का एजेंट है। आज के इस खास शो के मेहमान अतीक कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है, जो मालेगांव महानगर पालिका में अपोजिशन लीडर है। अक्सर हमारे चैनल ने कई शहर के बड़े मुद्दों पर इनसे बात की। समाज सेवक हो, कोई पॉलिटिकल नेता हो या कोई भी हो, अगर किसी का नाम भी चार मरतबा तीन मरतबा आ रहा है तो ये सरासर गलत बात है। तो आप इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं और आप क्या बात रखेंगे इस पर? भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1952 में पहला इलेक्शन हुआ। अगर हम इलेक्शन का इतिहास देखें तो 1952 से हर हारने वाले उम्मीदवार यही बोलता है कि जो पिछला इलेक्शन जितने भी इलेक्शन जीता है वो बोगस वोटों से जीता है। अगर हम मालेगांव की तारीख देखें तो 1980-85 में जब 26 इलेक्शन हारे, उन्होंने नियाल अहमद साहब के खिलाफ पिटीशन दाखिल की कि नियाल अहमद साहब ने बोगस वोटों से इलेक्शन जीता है। या 1999 में अगर हम देखें तो जब नियाल अहमद साहब शेख रशीद साहब से हारे तो उन्होंने भी हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की कि शेख रशीद और उनके वर्करों ने बेनतिया बोगस वोट चलाई जिसकी वजह से मैं इलेक्शन हार गया, मगर हाईकोर्ट ने ऐसा कोई पिटीशन या का माना नहीं और वो पिटीशन खारिज हो गई। इसी तरह से जब 2009 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जीते तो उन्होंने भी शेख रशीद साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि मुफ्ती इस्माइल और उनके वर्करों ने बोगस वोट गिराई। इसी तनाजुर में अगर हम देखें 2014 में भी मुफ्ती साहब जब हारे शेख आसिफ से तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि यार मालेगांव शहर में कांग्रेस के लोगों ने मुफ्ती शेख आसिफ के लोगों ने बेनतिया बोगस वोट गिराई, उन्होंने बुरका बदल बदल कर वोट दिया है। और मुशारत चौक के ताजियती जो जलसा था उस जलसे में मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बोगस आमदार है, ये बोगस वोटों से जीता है और मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल किया हूँ। मगर उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की वो पिटीशन हाईकोर्ट के जो जज ने खारिज कर दी, इन्हें उसको सुनवाई के लायक भी नहीं समझा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर इलेक्शन हारने वाला, चाहे वो म्यूनसिपलिटी का हो, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे असम्बली का हो, हर हारने वाला जीतने वाले पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि खिलाफ का जो कैंडिडेट है वो बोगस वोटों से जीता है। मगर बोगस वोट जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है, ये डुप्लीकेट वोट है। डुप्लीकेट वोट से मुराद ये कि यार एक आदमी का नाम कई कई आदमी में, और हमारे मुफ्ती साहब के अगर लड़के बीवी अरे अगर उनके खानदान के लोगों का नाम अगर 55 जगह है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि मुफ्ती साहब बजाते खुद एक आलिम दीन है और आलिम दीन को ये जैब नहीं देता कि वो अपने बेटे बीवी और अपने खानदान के लोगों का नाम 55 आदमी में रखे। हमारे मुफ्ती साहब इसका, हमारे जो मौजूदा MLA इसका जवाब ना देते हुए मालेगांव शहर में लोगों को डरो खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। अगर हम देखें तो NRC का मुद्दा जब से कोविड शुरू हुआ है, कोरोना शुरू हुआ है, एकदम दब चुका है, मगर वो मालेगांव शहर में वापस वो मुद्दा लेकर आ रहे हैं। मेरा बोलना यही है कि यार हर हारने वाला इलेक्शन जीतने वाले के ऊपर यही उम्मीद इल्ज़ाम लगाता है कि इसने बोगस वोट से जीता है। इसको अगर वो NRC से जोड़ रहे हैं तो ये मालेगांव की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा यही बोलना है कि यार ये अगर मुसलमानों के इतने ही हमदर्द हुए तो शासन ने एक GR निकाला था, आदेश निकाला था कि यार किसी भी मजहबी जगह पर पाँच से कम लोग अपना नमाज अदा कर सकते हैं, फरीजा अदा कर सकते हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब अगर मुसलमानों के बहुत हमदर्द हुए तो ईदगाह पर नमाज क्यों नहीं पढ़ाए? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ नमाज पढ़ा सकते थे, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई। बकरीद के मौके पर भी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ाई जबकि सोशल डिस्टेंसिंग से वहाँ भी नमाज हो सकती थी। अगर हम देखें तो वहाँ पर पहले वो पूरी जो ज़मीन थी वो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए वक्फ की थी, चाहे वो MSG कॉलेज हो, चाहे तुम्हारे रेस्ट हाउस की जगह हो। मगर पीछे जो भी सरकार थी, वो सरकार के जो भी बड़े लोग थे, हमारी उस जगह पर कब्ज़ा कर लिया। आज हम जाएँ तो वहाँ पुलिस ग्राउंड है और अलग अलग जगह है। इस वक्त में 26 जनवरी और 15 अगस्त तो पढ़ा या ईद और बकरीद पढ़ी, तो ये टाइम का हवाला देंगे कि यार इस वक्त तो तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी, इसलिए अभी भी तुम कुछ ना कुछ उसका पर्याय निकालो। इसलिए ये हमारे लिए आगे तकलीफ देगी बात होती है, क्योंकि नमाज है, नमाज एक फरीज़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार जो नमाज
कुछ नहीं पढ़ते, मगर वो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। तो उन्होंने वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ाई, हम ये उन्होंने जो किया गलत किया, और बिला वजह NRC का मुद्दा इस जगह लाकर मालेगांव शहर की आवाम को परेशान कर रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि MIM RSS और BJP के अलाइकार हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से RSS को हर जगह बोलने का मौका मिले, और हिंदुत्व बढ़े। और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मोदी का एजेंट है, वो ऐसा काम करता है जिसको BJP से फ़ायदा हो। इसलिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो बात कही, मैं उसकी पुरजोर अल्फाज मजम्मत करता हूँ। ये एक डुप्लीकेट और बोगस रोड का मामला है। अगर मुफ्ती साहब के घर के लोगों की 4 जगह ओड है, 5 जगह ओड है, तो वो उसका क्या है वो जवाब देवे, ना कि मालेगांव के मुसलमानों को NRC मिल जाए और यहाँ के जो भी अमन पसंद शहरी है उनके ऊपर बिला वजह की एक हेडेक डाले। पीछे हमने देखा कितना परेशान थे। इसलिए ऐसी कोई बात ना करते हुए जो बोगस रोड है उतनी ही बात करना चाहिए, और मालेगांव शहर की जो आवाम है उनको NRC, CAA, NPA के बारे में कोई तरह का डरो खौफ करने की ज़रूरत नहीं। महाराष्ट्र में एक सेकुलर सरकार है, शरद पवार की अगुवाई में एक सेकुलर सरकार हुकूमत कर रही है। हम महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के लोग ऐसा कुछ नहीं करने देंगे, हम हर तरह से उसका मुकाबला करेंगे। इसलिए मुफ्ती साहब का अगर उनके लड़के का 5 जगह नाम है, उनकी बीवी का 3 जगह नाम है, या उनके ख़ानदान के और लोगों का नाम है, तो उतनी बात करना चाहिए। NRC या CAA या NPR की बात नहीं करना चाहिए।